नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। अखिल भारतीय किसान महासभा उत्तर प्रदेश प्रांतीय आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा तथा समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। इसको लेकर प्रशासन काफी गंभीर था। जिलाधिकारी कार्यालय सरजू पांडे पार्क के साथ ही सिटी रेलवे स्टेशन और नगर के अन्य इलाकों में पुलिस की तैनाती की गई थी। सबसे ज्यादा फोर्स कचहरी और सिटी रेलवे स्टेशन पर थी। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने कचहरी के साथ ही सिटी रेलवे स्टेशन और नगर क्षेत्र में भ्रमण किया। इस दौरान ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने के साथ ही उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ भारत बंद के समर्थन में अन्य पार्टियों के लोग भी सड़क पर उतरे। अखिल भारतीय किसान महासभा के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 250 किसान संगठनों के आह्वान पर आयोजित भारत बंद के समर्थन में अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा, जिलाध्यक्ष गुलाब सिंह, माले जिला सचिव राम प्यारे राम के नेतृत्व में तुलसी सागर लंका कार्यालय से मार्च निकाला। जुलूस में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी शामिल थे। पुलिस बल की मौजूदगी में राष्ट्रपति को संबोधित 10 सूत्रीय पत्रक एसडीएम सदर प्रभास कुमार को सौंपा गया। इस मौके पर मोती प्रधान, नंद किशोर बिंद, आजाद यादव, श्री कुमार कुशवाहा, प्रमोद कुशवाहा, योगेंद्र भारती, अमरनाथ पासवान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील राम, पंचायती राज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जनक कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। सदर कोतवाली क्षेत्र के नखास मोहल्ला में शुक्रवार को दिन में एक पक्का मकान का अगला हिस्सा गिर गया। यह संयोग रहा कि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन 2 दुकान और 2 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार नखास मोहल्ला में मतीन कुरैशी का पुराना मकान है। मकान के आगे का हिस्सा पुराना होने की वजह से जर्जर हो गया था। गुरुवार को दिन और रात में हुई तेज बारिश से मकान में पानी से रिस गया था। शुक्रवार को दिन में करीब 12 बजे मकान का अगला हिस्सा धराशायी हो गया। संयोग अच्छा था कि परिवार के लोग मकान के पिछले हिस्से में थे, इससे कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन मकान के मलबे से 2 दुकान और 2 बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि मलबा सड़क पर गिरने से काफी देर तक आवागमन में अवरोध बना रहा। लोगों के सहयोग से मलबा हटाने के बाद आवागमन पूरी तरह से सुचारू हो सका। मकान गिरने की लोगों में चर्चा होती रही। चर्चाओं में ये बात प्रमुखता से शामिल थी कि ऊपर वाले का शुक्र था कि मकान का अगला हिस्सा गिरा। यदि पीछे का हिस्सा गिरा होता तो किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। सेवराई में अखिल भारतीय मध्वेशिया वैश्य समाज का विचार मंथन गोष्ठी शुक्रवार को हुआ। इसमें ब्लॉक इकाई का गठन किया गया। सर्वसम्मति से चंद्र प्रसाद उर्फ गुड्डू को भदौरा ब्लॉक अध्यक्ष घोषित किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि भदौरा ब्लॉक में मध्वेशिया समाज की लगन देखकर मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इस ब्लॉक में अधिक समय देकर युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। कहा कि समाज के साथ किसी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला संरक्षक कामता प्रसाद, दिलदारनगर के पूर्व चेयरमैन रामाशंकर फौजी, डॉक्टर कृष्णानंद, दिनेश गुप्ता एडीओ भतौरा, नरेंद्र प्रसाद गुप्ता, जवाहर गुप्ता, मोतीचंद, सुनील गुप्ता आदि उपस्थित थे। संचालन डॉक्टर नीरज गुप्ता ने किया। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा के नगर मंडल के सभी बूथों पर धूमधाम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई गई। पार्टी के निर्देश पर भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं द्वारा अलग अलग कई बूथों पर उपस्थित होकर जयंती मनाई गई। इस क्रम में नगर के मध्य मिश्र बाजार चौराहा पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर नगर अध्यक्ष सुनील गुप्ता के नेतृत्व में नगर मंडल के सभी पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया। इसके साथ ही कई स्थानों पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रमों में जंगीपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राम नरेश कुशवाहा, नपा के पूर्व चेयरमैन विनोद अग्रवाल, नगर अध्यक्ष सुनील गुप्ता, पूर्व उपाध्यक्ष अजय गुप्ता, कार्तिक गुप्ता, नगर मीडिया प्रभारी सुन्नी गुप्ता, संदीप गुप्ता एवं सभी सेक्टर प्रभारी तथा संयोजक और सभी बूथों के बूथ अध्यक्ष उपस्थित थे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।